खबर से, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल। आपको बता दें राहुल गांधी की सांसद से सदस्यता चली गई थी, बतौर लोकसभा सांसद राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे और उसके बाद उन पर मानहानि के मामले में गुजरात के कोर्ट द्वारा आरोप तय हुए, दोषी ठहराया गया, 2 साल की सजा का ऐलान किया गया और कोर्ट के नियमों के मुताबिक संसद में 2 साल की सजा के ऐलान के बाद उन्हें सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाती है जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो जाए और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस पूरे मामले पर जो भी फैसला होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बर्खास्त करेगा या फिर उसे बरकरार रखेगा, ये सुनवाई होने के बाद स्पष्ट होगा और तब तक राहुल गांधी संसद के सदस्य रहेंगे, लोकसभा के चुने हुए सदस्य रहेंगे। सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई और कांग्रेस पार्टी में ढोल नगाड़े मिठाइयां पटाखे दौर चल रहा है। अब देखिए तस्वीरों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में फूल के गुच्छे, पुष्प गुच्छ, बुके लेकर पहुंचे हैं, ढोल नगाड़े राहुल गांधी के समर्थन में तख्तियां लहरा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, महिला कार्यकर्ता वहां जमकर नाच रही हैं ढोल की थाप पर। राहुल गांधी अभी संसद के सदस्य रहेंगे, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये सुनवाई चलेगी तब तक राहुल गांधी सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, एक सांसद वो रहेंगे और जो सजा का ऐलान किया गया था उसका जो नियम है वो राहुल गांधी पर प्रभावी नहीं होगा और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। स्वाभाविक है, उनके पार्टी के बड़े चेहरे, पार्टी का नेतृत्व भी कर चुके हैं लंबे समय तक। प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनवा देते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं में भी जश्न है, खुशी है और लगातार जो ये जश्न का दौर है इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर जारी है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी के संसद के सदस्यता जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अभी संसद की सदस्यता नहीं जाएगी क्योंकि निचली अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, सुनवाई तक वो सांसद के तौर पर काम करते रहेंगे और इस बात की अधिसूचना लोकसभा सचिवालय ने जारी की। राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अब एक ऊर्जा मिलेगी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त ऊर्जान्वित हैं, उत्साहित हैं और ढोल नगाड़े जमकर बज रहे हैं और सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश 36